विरोध करन, दंगा होवे ते जिहड़े असल मुद्दे ने उन्हां वल्लों हटा के ए हिंदू अते मुसलमान दा मुद्दा बन जावे। ते ओह कामयाब हो गए इस काम दे विच। 92 च ए हालात पैदा किए गए। थोड़े समय तो बाद भाजपा वाले हिंदुस्तान की राजगद्दी दे उत्ते बैठ गए आराम नाल। ते ये सारा कुछ हुण मोदी उसे तरह कर रहे हैं, तरह तरह के तरीके वरत के लोगों नूं वो एक तरह का अपने मगर लाने का यतन कर रहे हैं। तो कभी राम का रूप धारण करता, कभी वो कृष्ण का रूप धारण करता, कभी किहोजी पगड़ी सजाउंदा, जदों पंजाब च आउंदा उदों केसरी दस्तार सजा के खड़ा हो जाता। वो गल भी नहीं करना चाहता उस विषय से कि गुजरात के जिहड़े पंजाबी जां सिख किसान ने उन्हां दा मैं उतों उजाड़ा नहीं करवावांगा, ये गल ही छेड़ नूं तैयार नहीं है। कहिंदा इह तां लोक ऐवें गल्लां करदे ने। तां मेरे वीरो, इस गल दा आपां ध्यान रखना है कि नेक इंसान, भला इंसान, परोपकारी इंसान ही अगे आवे। अपना पक्ष मैं एक यासर अराफात तो बहुत प्रभावित हाँ, जिहड़ा कि फलस्तीन का एक इउं कह लीए उसका राज, उसका देश वो तो खुस गया। इजराइल वाले लगातार हमले ते हमला कर रहे ने, वो फिर भी कमजोर अवस्था च होने के बावजूद भी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुँचाउण दे विच कामयाब हो गया। उन्हें भारत की पार्लीमेंट दे विच भी आके अपने देश का पक्ष रखिया, अपने लोगों के दुख दसे। अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, जर्मनी किन्ने किन्ने दिन तक वो देशों दीयां सरकारां उड़ीक करवाउंदियां कि हाले साढ़े कोल टाइम नहीं, इन्ने समय में टाइम मिलेगा, इन्ने नूं मिलेगा। पर फिर भी वह बंदा अपने दृढ़ता दे नाल दुनिया च आवाज़ पहुँचाउण च कामयाब हो गया। कोई हथियारबंद लड़ाई तो बिना उन्हें छोटा या वड्डा अपना फलस्तीन इलाका ले लिया। होर वधण दे मंगां पूरियां होण दे चांस ने, उहदे कोले गल करन दी योग्यता सी, सियाणप सी। तां सानूं घट्टो घट अपनी जिहड़ी हक सच की आवाज़ है ये लोगों तक पहुँचाउण की जाचता होवे। असीं दूजिआं तक अपनी आवाज़ पहुँचाउणी किवें है, दूजिआं नूं अपने नाल जोड़ना किवें है, उहनां दी हमदर्दी असीं जितणी किवें है, घट्टो घट्ट इन्नी कु तां सानूं जाच होवे। ये किवें होवेगी? ये विद्या दे नाल, ज्ञान दे नाल ते अकल दे नाल। ते जदों असीं स्कूलां तों, पहली गल तां मैं यह बेनती कर लवां, साडे बहुते स्कूलां कालजां दे विच इहो जिहा कुछ पढ़ाया जा रहा है जिहड़ा कि आम जिंदगी च कम नहीं आउंदा, आम जिंदगी च उह कम नहीं आउंदा। इहो जिहियां कहानियां हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, मिर्जा साहिबां, सोहनी महीवाल, इहदे ते पी एच डियां करवाईयां जा रहियां ने। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी दे नेड़े पटियाले रहिंदा ते उत्थे बहुत सारे नौजवान जिहड़े पी एच डी करदे ने, एम ए करदे ने, वह अपने थीसिस टाइप कराउण वास्ते आउंदे ने टाइपिस्टां कोले। मैं अपनी किताबां भी टाइप कराउणा, उत्थे कई वारी गल्लां बातां हो जांदियां ने उहनां नौजवानां नाल। जदों उहनां नूं पुछीदा तुसीं पी एच डी कर रहे हो मिर्जा साहिबां ते, इहदे चों तुसीं की मारका मारोगे, की प्राप्ति होगी, की निकलेगा, रुजगार मिलेगा? दुनिया के लोगों नूं जाके दसोगे कि साडे मिर्जा साहिबां भी होए ने? कहिंदे ने होए ते होए होणगे, दुनिया च होए ने बथेरे, इहचों निकलेगा की? हीर रांझा, सस्सी पुन्नी चों की निकलेगा? इहो जिहियां चीज़ां दे उत्ते पी एच डियां करवाईयां जा रहियां ने। 20-20 साल साडे नौजवानां दे इन्हां कम्मां ते बर्बाद हो जांदे ने, पैसा बर्बाद हो जांदा है, आउटपुट कोई नहीं निकलती, मगरों वो नौजवान लड़का लड़की बेरोजगार होकर घरें बह जाता है। मिर्जा साहिबां पढ़ के कदी नौकरी मिलनी है? हीर रांझा पढ़ के कदी नौकरी मिलनी है? तो कि खोज की उन्होंने, की खोज की? उतों के रहने वाले से, उतों के जम्मे से, उत्थे इउं मर गए, वह भज गया, वह निकल गई, आ सारा कुछ कहानियां ने। तो गुरु प्यार वाले, कोई विज्ञानिक खोजा, कोई मनुखता का भला, ये चीज़ा साढ़े जरा सिलेबस है उसके घट्टो घट नहीं पढ़ाई जाती। मैं पढ़ के हैरान रह गया, जिहड़े दुनिया के वड्डे वड्डे लिखारी होए ने उन्हां चों 50% तो वध वड्डे लैवल के लिखारी वो स्कूलां कालजां च पढ़न नहीं गए, स्कूलां कालजां तो बाहर पढ़ाई की है। तो 50% भी नहीं है वो वड्डे विद्वान जिहड़े स्कूलां कालजां च पढ़े हुए ने जां पी एच डियां कीतियां ने, वह घट तो घट मिलणगे, क्योंकि वह एक सरकारी मशीन का पुरजा बन के रह गए। वो सरकारी गल करनगे, मनुखता दे हित दी गल घट करनगे। तां इह जिहड़ा साडे सामने है, फिर अपने नौजवानां नूं जदों इह पढ़ावांगे आपां ना कि एडिसन वर्गे चोटी दे विज्ञानी वो कदी स्कूल नहीं गए, होर बेअंत जिहड़े विज्ञानी ने वो स्कूलां च नहीं गए, उन्होंने अपने तौर पर मेहनत की ते सानूं बहुत कुछ नवां दे दित्ता। स्कूलां कालजां दी विद्या आम तौर पर हुंदी है मशीनी टाइप, एक मशीन का पुरजा बनने वास्ते उत्थे तैयार किया जाता है। आपां उस
जो कैद खाना है वो निकल के सुतंत्र सोच अपने अंदर लिया का यतन करिए, संसार का वध तो वध साहित पढ़िए, धर्मां का तुलनात्मक अध्ययन करिए, मनुखता की चाहती है, की होना चाहिए, इहदे बारे आपां तैयारी करिए, तो फिर समाज का किन्ना भला कर सकते हैं वो आपां करिए। जिहड़ियां समाज के विरुद्ध मनुखता के विरुद्ध साजिशां राजनीति वालों वल्लों अखौती धर्मियों वल्लों जिहड़े धर्म का मखौटा तां पाउंदे ने उहनां वल्लों अते होर अनेक लोगों वालों जिहड़ियां मनुखता के विरोधी साजिशां रचियां जांदियां ने उहनां तों आपां तां ही कुछ ना कुछ बच सकते हैं, क्योंकि वह ताकतवर ने, आपां कमजोर हाँ, वो पढ़े लिखे ने, आपां अनपढ़ हाँ, उन्हां कोले साधन ने, अपने कोले साधन नहीं। यह सारा जिहड़ा तवाजन है इहनूं तब्दील करना है, इहनूं बदली करना है। पहली गल ज्ञान, दूजी गल रुजगार, फिर अपना धर्म ते परिपक्कता, आपां अपने धर्म ते परिपक्क रहिए, दूजे नूं अपनी स्वतंत्रता है वो जिवें अपनी जिंदगी दिल करे बितावे। तो इतने के बचन प्रवान करने बोलते हैं, अनेक भुलां गलतियां हो जांदियां ने, क्षमा चाहुंदा हाँ इत्थों दे प्रबंधकां दा अते होर जिहड़े सत्कारयोग सज्जन आए हुए ने सारिआं दा बहुत बहुत शुकराना, सारिआं दा फिर शुक्रिया। दास इत्थी समाप्ति करदा है, धन्नवाद। ये थे डॉक्टर इंदर सिंह घग्गा जी, जो आपके रूबरू थे, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, ऐसे वक्त में जबकि मकरो फरेब का बोल बाला हो, तो सच्चाई का इजहार एक इनकलाबी इकदाम है, एक इनकलाबी कारनामा है। इसी कारनामे को अंजाम दे रहे हैं, अयोध्या से तशरीफ लाए महंत युगल किशोर शास्त्री जी, जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है। आप एक समाज सेवी भी हैं, इस दौर में जबकि पूरा मीडिया एक बात कह रहा है, शास्त्री जी उसके विरोध में दूसरी बात कह रहे हैं, हक और सच्चाई की आवाज बन के अयोध्या से उभरे हैं, और उनकी जो मशहूर किताब है वो है आतंकवाद का असल चेहरा, और दूसरी किताब जो बहुत मशहूर हुई वो है राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद, के वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। और आपका टॉपिक है सांप्रदायिकता भारत की अखंडता के लिए खतरा। इजाज साहब और मंच पर बैठे विद्वतन, एक चीज आप सामान्य रूप से आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी धर्म निरपेक्ष देश है वो बहुत विशाल है, और धर्म के आधार पर जितने भी देश है दुनिया में वो बहुत छोटे छोटे हैं। चीन है, भारत है, अमेरिका है, सोवियत रूस है, और भी जो देश देखेंगे दुनिया में वो निश्चित रूप से वो धर्म निरपेक्ष देश होगा, जो बहुत विशाल है। तो इसका मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्षता जो है श्रेष्ठ है, और जब हम धर्म के आधार पर किसी भी देश को गोलबंद करना चाहेंगे, उस व्यवस्था को लागू करना चाहेंगे, तो देश टूट सकता है, छोटे छोटे हो जाएंगे। तो हमारा जो देश विशाल है उसका मुख्य कारण यह है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, और
धर्मनिरपेक्ष देश में एक खासियत होती है कि विभिन्न कल्चर जो हम एक दूसरे से संवाद में सुनते रहते हैं, पहचानते रहते हैं, जीवन शैली के रूप में अपनाते हैं, तो उसमें एक खासियत हो जाती है। तो धर्मनिरपेक्ष देश के लोगों की एक खासियत जो होती है वो धर्म सापेक्ष देश के लोगों की नहीं होती। तो इस समय बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, हम धर्म के आधार पर देश को बनाएंगे, चलाएंगे। तो हम उसको इसका मतलब सीधा अर्थ लगाते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता को हम तोड़ना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर हम देश को शासित करना चाहते हैं, शासन चलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो सीधे कह रहा है कि हम देश की एकता और अखंडता को हम तोड़ना चाह रहे हैं। वो राष्ट्रवाद के नाम से हो, चाहे वो वंदे मातरम के नाम चिल्ला करके हो। ये कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। तो कोई कहे हम वंदे मातरम चिल्लाए तो हम नहीं मान लेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो। यदि कोई कहे कि भारत माता की, तभी नहीं मानेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो। और तुम जो है कहते हो अन्य अच्छे, राष्ट्रवाद के नारा लगा दो तभी नहीं मानेंगे। तुम्हारा जीवन शैली हम देखेंगे कैसा है। तुम मानव के साथ प्रेम करते हो कि नहीं, असली बात यह है। जितना चिल्लाओ हमारे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक शिगुफा चला हुआ है, तकिया कलाम चला हुआ है, जो देश विभाजक तत्व है, जो देश को विभाजन डालना चाह रहा है, वो एक तकिया कलाम अपना लिया है। इसका नाम है वंदे मातरम। उनकी इस भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। वो सबसे अधिक चिल्ला रहा है वंदे मातरम। चोर मचाए शोर, एक आवत है चोर मचाए शोर। और जिसको भारत माता से मतलब नहीं है, सबसे अधिक चिल्ला रहा है भारत माता की जय। और जिसको राष्ट्र से मतलब नहीं है, राष्ट्रवाद से, देश के लोगों से प्रेम नहीं है, वो सबसे अधिक चिल्ला रहा है राष्ट्रवाद। तो एक हमारे सामने जो एक समस्या, ये भी एक समस्या के रूप में, और इस समस्या का समाधान भी करना चाहिए और इस चैलेंज को हमें स्वीकार भी करना चाहिए। ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। हम मान ले कह लेते हैं सीधे तौर पर कि जिन्हा ने बंटवारा करा दिया, अंग्रेजों ने बंटवारा करा दिया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अरे चार भाई हैं आप, और आपके पास एक किलो दूध है, चारों भाइयों बराबर बराबर बांट के खाते हैं, तो पांचवा आदमी, बाहर के आदमी आपको चार भाई में लड़ा देगा? अरे एक आदमी को एक भाई सब खा रहा है, तीन भाई को नहीं मिल रहा है, तब ना लड़ाएगा? तो जिन्ना दोषी नहीं था उसमें, न अंग्रेज दोषी था, दोषी हम थे। हम नफरत फैला रहे थे धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। यदि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर यदि नफरत पहले से नहीं फैलाया गया होता, तो ये देश नहीं टूटता, भारत पाकिस्तान के बंटवारा नहीं होता। आज वही जो ताकत है, वही विचारधारा है, उसने भी गांधी को हत्या किया। मालूम है अभी तुषार गांधी ने के पुस्तक निकली है, उसने कहा कि जब गांधी की हत्या हुई, पौत्र की पुस्तक निकली है, तो कहा कि गांधी की जब हत्या हुई तो पहले अफवाह फैलाया गया कि मुसलमानों ने गांधी की हत्या कर दिया। एक बहुत बड़ा चाल चल रहा है आज से नहीं, इसका मतलब है कि ऐसे विचारधारा के लोग पहले से यहाँ काफी सक्रिय है। तो भारत पाकिस्तान के बंटवारा फिर से ना हो, भारत के बंटवारा फिर से नहीं हो, इसके लिए हमें सतर्क होना है। और ऐसे लोग जो भारत माता के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर एक से एक सुबात सकारात्मक सुगुफा दे करके ये तोड़ने के लगा हुआ है जिसको, उसको हमें पहचानना पड़ेगा, हमें उसे कंडम करना पड़ेगा। ये जो है फिर से, ताकि हमारे देश की बंटवारा नहीं हो सके। अब सबसे पहले हम पंजाब के धरती पर हम दूसरी बार आए हैं। एक बार यात्रा हमने बाघा बॉर्डर के निकाला था, पैगाम अमन कारवां, हरियाणा होकर हम लोग निकले थे। लगभग 10-15 कार्यक्रम हुए थे। हमारे साथ में 30-35 लोग थे, मेल फीमेल, विभिन्न धर्म मजहबों के लोग। अरे दूसरी बार आया हूँ। एक अच्छा लग रहा है इस मामले में कि सूफियों ने प्रेम मोहब्बत का पैगाम जो है पंजाब में ही ज्यादा दिया था, और उस धारा को बढ़ाने का काम किया था गुरु नानक साहब ने। उन्होंने ही कहा कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन फले को मंदे। तो ये जो है सूफी धारा को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। और हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हमारा कर्म क्षेत्र है, वो अयोध्या है। अयोध्या का भी मतलब होता है यही, अयुद्ध,
अयोध्य से अयोध्या बना, जहाँ युद्ध नहीं होता हो, जहाँ मारकाट नहीं होता। और वास्तव में अयोध्या में क्या इतिहास नहीं है कि कभी दंगा हुआ हुआ, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। अयोध्या दुनिया में, हम कह रहे हैं, यदि हम कहते हैं कि अयोध्या जो है दुनिया के सबसे पवित्र क्षेत्र है, वो इसलिए कि हिंदू कहते हैं कि राम जी यहीं पैदा हुए, पवित्र हुआ ना। और आपको सिख पैगंबर जो थे, जो मुसलमानों के एक पैगंबर थे, उनका मजार अयोध्या में, बड़ी बुआ सूफी मजार वहां है, खुर्द मक्का अयोध्या में ही, तो मुसलमानों के पवित्र स्थल हुआ। और गुरुद्वारा है वहां, सिखों के जो सष्टम गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जो है, वहां 2 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया था, और गुरु द्वारा वहां आज भी है। और बहुत दूर दूर से लोग जब आते हैं तो वहां पहुंचते हैं मंत्र मारने के लिए, माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं, तो सिखों के भी पवित्र स्थल है। और ये जो जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, वो जानते कहाँ पैदा हुआ, अयोध्या में पैदा हुए थे। ये सबको मालूम, पढ़े लिखे लोग सबको मालूम होगा, प्रथम तीर्थंकर जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव अयोध्या में पैदा हुए, तो वो जैनियों के प्रथम एक धर्म पवित्र स्थल हुआ। और बौद्धों के जो ये जो तथागत बुद्ध थे, उन्होंने अयोध्या में 4 वर्षा वास किया था, तो इसका मतलब है कि बौद्धों के भी तीर्थ है वो। तो दुनिया में सब जो सब धर्मों का तीर्थ हो, तो सबसे दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ है। यहाँ 5 धर्मों का तीर्थ है वो अयोध्या, केवल हिंदुओं का तीर्थ नहीं है। यदि कोई कहता है हिंदुओं का केवल तीर्थ है तो गलत कह रहा है, वो मुसलमानों के भी वहाँ खुर्द मक्का है, सिख पैगंबर आज भी वहाँ है, तो मुसलमानों के भी तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थल है, जैनियों के भी पवित्र स्थल है, बौद्धों के भी पवित्र स्थल है। और जो सूफी धारा को मानने वाले हैं, जो प्रेम मोहब्बत भाईचारा का संदेश जो दुनिया में दे रहे हैं, ऐसे लोग वो भी जो है सूफियों का जितने अधिक से अधिक मजार बड़ी बुआ के देखते हैं, एक से एक महात्मा लोग वहाँ ज्यादा चढ़ाने जाते हैं, बड़ी बुआ के बहुत प्रसिद्ध मजार है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि दुनिया में 2 पवित्र स्थल है, जो सभी धर्म अधिकांश धर्म जगहों के लोग उसको सम्मान करते हैं, पवित्र मानते हैं। एक तो प्रथम अयोध्या है, एशिया में प्रथम अयोध्या है, और दूसरा फिलिस्तीन है। लेकिन फिलिस्तीन से महत्वपूर्ण अयोध्या है, अयोध्या में 5 धर्मों का केंद्र है, 5 धर्म और मजहब मानने वालों का एक पवित्र स्थल है। और फिलिस्तीन में मुसलमान, यहूदी और ईसाई, तो फिलिस्तीन से भी बड़ा श्रेष्ठ क्षेत्र जो हुआ, पवित्र स्थल हुआ अयोध्या हुआ। और यदि दोनों के साझी विरासत को यदि मजबूत कर दिया जाए, तो आप जानते हैं अयोध्या के साझी विरासत को मजबूत कर दिया जाए और फिलिस्तीन के साझी विरासत को मजबूत कर दिया जाए, तो मेरा ये कहना है, मेरा मानना है, और शायद आप लोग भी स्वीकार करेंगे, कि पूरी दुनिया में अमन चैन काम हो जाएगा। पूरे दुनिया के लोग, सभी धर्म मजहबों के लोग एक साथ उठेंगे, सब एक साथ बैठेंगे, पहचान उनका हिंदू मुसलमान का नहीं होगा, सिख ईसाई का नहीं होगा, इंसान का होगा। एक ही त्वचा हाड़ मलमूता, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को वंशो को शुद्धा। अयोध्या में पलटू दास हुए संत, यहाँ जैसे गुरु नानक साहब ने कहा, अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कोल को बने कुन मंदे। और ऐसे ही उन्हीं के परंपरा के कबीरपंथी संत हुए हैं पलटू दास अयोध्या में। उन्होंने कहा था कि डाल डाल अल्लाह लिखा, पात पात पर राम, कौन चिड़ैया असगुन बोली, जंगल जला तमाम। तो एक अयोध्या का ये संदेश है, अयोध्या जो है इस भारत के वाल ट्यूब है, वहां से हवा निकाल लीजिए, सांप्रदायिकता के उन्मादी विचारों की वहां से हवा निकाल दीजिए, पूरे देश में हवा निकल जाएगी, सांप्रदायिकता कमजोर पड़ेगी। तो हमें असली चीज है कि सांप्रदायिकता को कमजोर करना है, उसे जो है नेस्त नाबूद करना है, उस विचारधारा को। वो विचारधारा ही महात्मा गांधी की हत्या किया था, उस विचारधारा ने। आज भी जो दंगे फसाद आतंकवाद है, उसी विचारधारा की देन।
किसी ने किसी प्रकार से। एक चीज है, जैसे इंदर सिंह साहब जो है एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह गए थे, जो कमजोर है उसको दोषी मना दिया जाता है। हमारे देश में ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, ये पहले भी चलता था। इस कारण से देश का बंटवारा हुआ, नफरत फैला गया एक समुदाय के प्रति, विशेष करके मुसलमानों के प्रति। कुछ ऐसा समय आया था कि पूरे देश में सिखों के प्रति नफरत फैलाया गया था, और इस समय जो साजिश चल रही है एक मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाया जाता है। और हम जाते हैं कंधमाल की तरफ, उड़ीसा में जाते हैं, तो देख रहे होते हैं कि वहाँ ईसाइयों के प्रति नफरत फैलाया जाता है। तो इस प्रकार से यदि नफरतबाजी हमारी नहीं रुकी तो हम मान लिए जाएंगे कि हम कमजोर है। नफरतबाजों को एकदम कंडम करना पड़ेगा, उनको निषेध करना पड़ेगा। वो नफरत के बहाने देश के समाज को तोड़ना चाह रहा है, समाज को तोड़ना चाह रहा है। यदि हम